नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में सबका स्वागत है। तो बच्चों, हम आज एक नई पाठ पढ़ने जा रहे हैं, क्या सब तैयार हैं? अच्छा, तो पाठ शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ठीक है? तो बच्चों, मेरा प्रश्न ये है कि क्या आप लोग मीठा खाना पसंद करते हो? हाँ, मीठा खाना तो सब पसंद करते हैं ना। तो बच्चों, ये बताओ कि चित्र में एक मीठा खाना है ना, ये कौन सा है बताओ? हाँ बिल्कुल, ये लड्डू है, ठीक है? तो बच्चों बताओ ये कौन सा मीठा खाना है? हाँ, ये जलेबी है, ठीक है? तो ये कौन सा है? हाँ, ये गुलाब जामुन है। बहुत बढ़िया बच्चों। तो बच्चों बताओ कि ये कौन सा मीठा खाना है? बच्चों, इस मीठा खाना का नाम है सफ़ेद गुड। क्या है बच्चों? सफ़ेद गुड। तो बच्चों, हमारा पाठ का नाम जो है वो है सफ़ेद गुड। सफ़ेद गुड नामक एक कहानी हम आज पढ़ेंगे, ठीक है? तो हमारे पाठ का नाम है सफ़ेद गुड, जो एक कहानी है। तो इस कहानी का लेखक के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो सफ़ेद गुट नामक कहानी का लेखक का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्या है बच्चों? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो बच्चों देख लो, यही सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। तो लेखक के बारे में थोड़ा और जानकारी पा लेते हैं। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं ना, उनका जन्म कब हुआ? 15 सितंबर 1927 में हुआ था। उनके प्रमुख रचनाएँ क्या क्या हैं? अंत में, प्रार्थना, ईश्वर आदि हैं। उसे उन्हें मिले प्रमुख पुरस्कार क्या हैं? साहित्य अकादमी पुरस्कार। उनकी मृत्यु 23 सितंबर 1983 में हुआ था। तो आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों, हमारे कहानी है ना, इस कहानी के प्रमुख पात्र के बारे में हम थोड़ा जानकारी पा लेते हैं। तो हमारे सफ़ेद गुट नामक पाठ का मुख्य पात्र एक लड़का है, एक छोटा सा लड़का। फिर उसकी माँ, फिर भगवान यानी ईश्वर, फिर दुकानदार जो सामान बेचता है, फिर कुछ दोस्तों, हमारे लड़का है ना, उनकी दोस्तों हैं। अगला हम एक मज़ेदार कार्यक्रम करते हैं। हमारे पात्र है ना, इन पात्रों को हम हमारे मनपसंद फिल्मी कलाकारों के चेहरा देते हैं। बहुत बढ़िया होगा, है ना? तो देखते हैं। तो देख लो, ये हमारा लड़का है, हमारे कहानी, हमारे पाठ का मुख्य पात्र हमारे लड़का है। सबको पसंद आया? तो लड़का अपने बारे में क्या कहता है? वो कहता है कि आई एम ए मॉम्स बॉय, आई लव माई मॉम। वो अपने माँ से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो ऐसे कहा है। फिर वो कहता है कि वो गॉड लवर है, वो भगवान से ज़रूर रोज़ प्रार्थना करने वाली एक बालक हैं, इसीलिए वो अपने बारे में ऐसा कहा है। तो वो एक छोटा सा लड़का है जो स्कूल जाता है, तुम जैसे लड़कों के तरह ही वो स्कूल जाता है, पढ़ता है। फिर उसकी माँ है, अगला पात्र है उसकी माँ, हमारे लड़का है ना, उसकी माँ है। फिर उनकी दोस्तों हैं। पसंद आया? अच्छा, तो आगे पढ़ते हैं। बच्चों ध्यान से सुनो। दुकान पर सफ़ेद गुड रखा था, दुर्लभ था। उसे देखकर बार बार उसके मुंह से पानी आ जाता था। आते आते वह ललचाई नसरों से गुड़ की ओर देखता, फिर मन महसूस कर रह जाता। आखिरकार उसने हिम्मत की और घर जाकर माँ से कहा। माँ बैठी फटे कपड़े सिल रही थी। उसने आंख उठाकर कुछ देर दीन दृष्टि से उसकी ओर देखा, फिर ऊपर आसमान की ओर देखने लगी और बड़ी देर तक देखती रही। बोली कुछ नहीं और चुपचाप माँ के पास से चला गया। जब माँ के पास पैसे नहीं होते तो वह इसी तरह देखती थी, वह यह जानता था। तो बच्चों सुना? तो पढ़ते वक्त कुछ शब्द हमें कठिन लगा है ना, उन शब्दों के बारे में हम थोड़ा जानकारी पा लेते हैं। तो पहला शब्द है दुर्लभ, दुर्लभ यानी रेयर। दूसरा शब्द है ललचाई, ललचाई यानी
कुदियूरना। तीसरा शब्द है आखिरकार। क्या है बच्चों? आखिरकार। आखिरकार का अर्थ क्या है? आखिरकार का अर्थ है वसानम, द एंड। तो अगला शब्द है हिम्मत यानी धैर्य। तो पाठ की ओर जाते हैं बच्चों, ध्यान से सुनो। दुकान पर सफ़ेद गुड़ रखा था। दुकान पर क्या रखा था? दुकान पर सफ़ेद गुड़ रखा था। कड़ाईले वेल्ला शर्कर वेच्चिट्टुंडायिरुन्नु। दुर्लभ था, सफ़ेद गुड़ दुर्लभ चीज़ था। सफ़ेद गुड़ इज़ वेरी रेयर। उसे देखकर बार बार उसके मुंह से पानी आ जाता था। तो हमारे लड़का क्या खाना पसंद करता है? सफ़ेद गुड़ खाना पसंद करता है। वो दुकान के पास जाकर खड़ा है, सफ़ेद गुड़ को देखता है और उसके मुंह से पानी आ जाता है। आते आते वह ललचाई नसरों से गुड़ की ओर देखता, फिर मन महसूस कर रह जाता है। तो हमारे लड़का है ना, दुकान के पास जाकर खड़ा है, वो ललचाई हुई नसरों से गुड़ की ओर देखता है, फिर मन महसूस कर रह जाता। तो नम्मुडे लड़का, नम्मुडे ചെറിയ പയ്യനുണ്ടല്ലോ, കടയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ്, കൊതിയൂർന്ന കണ്ണുകളുമായി വെള്ള ശർക്കരയെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അവൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തില്ല? പൈസയില്ല. ഹമാരെ ലഡ്ക്ക ഹൈ നാ, ഉസ്കെ പാസ് സഫേദ് ഗുഡ് ഖരീദ്നേ കേ ലിയേ പൈസേ നഹീ ഹൈ. വോ ലലചായി ഹുയി നസറോ സേ ഗുഡ് കീ ഓർ ദേഖ്താ ഹൈ, ഫിർ മൻ മഹ്സൂസ് കർ രഹ് ജാതാ ഹൈ, ക്യോൻകി ഉസ്കെ പാസ് സഫേദ് ഗുഡ് ഖരീദ്നേ കീ പൈസേ നഹീ ഹൈ. तो बच्चों देख लो, हमारा लड़का दुकान पर खड़ा है, सफ़ेद गुड़ को देखता है, ललचाई हुई नजरों से देखता है, ध्यान से देख लो, उसके मुंह से पानी भी आ जाता है। तो उसके पास क्या नहीं है बच्चों? सफ़ेद गुड़ खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए वह मन महसूस कर रह जाता है बच्चों। तो आगे पढ़ते हैं। आखिरकार उसने हिम्मत की और घर जाकर माँ से कहा। बच्चों एक छोटा बच्चा है ना, जब उसके पास कुछ सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं तो वो क्या करेगा? घर जाकर माँ से पूछेगा, माँ मुझे पैसे दो, मुझे ये सामान खरीदना है। इसी तरह हमारे लड़का है ना, वो भी क्या करता है? घर जाकर माँ से पैसा पूछता है। किसके लिए? सफ़ेद गुड़ खरीदने के लिए। तो आखिरकार उसने हिम्मत की, तो हमारा लड़का हिम्मत निकाल कर घर जाकर माँ से कहा, माँ से पूछा, पैसा पूछा। तो क्या हुआ? माँ बैठी फटे कपड़े सिल रही थी। तो माँ घर में बैठकर फटे हुए कपड़े को सिल रही थी। फटा कपड़ा कीरिया वस्त्रम। तो माँ क्या कर रही थी? फटे कपड़े सिल रही थी। अम्मा कीरिया वस्त्रम तुन्निकुंड रिकिया। इससे हमें क्या पता चला? वो एक गरीब परिवार है, इसीलिए माँ फटे हुए कपड़े को सिल रही है। उसने आंख उठाकर कुछ देर दीन दृष्टि से उसकी ओर देखा, फिर ऊपर आसमान की ओर देखने लगी और बड़ी देर तक देखती रही। तो बच्चा आकर, हमारा लड़का आकर पैसा पूछा माँ से सफ़ेद गुड़ खरीदने के लिए, लेकिन माँ के पास क्या नहीं है? पैसा देने के लिए नहीं है, इसीलिए माँ क्या करती हैं? आंख उठाकर कुछ देर दीन दृष्टि से उसकी ओर देखा। माँ अपने बच्चे की ओर दीन दृष्टि से देखता है, फिर ऊपर आसमान की ओर देखने लगी, फिर ऊपर आसमान की ओर देखा और बड़ी देर तक देखती रही। यहाँ माँ दुखी है, क्यों? अपने बेटे के लिए देने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। माँ सफ़ेद गुड़ खरीद कर देना चाहती है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है बच्चों? पैसे नहीं हैं, इसीलिए माँ ऊपर आसमान की ओर देखती है। शायद वो ईश्वर से विनती करती होगी, हे भगवान मुझे कुछ पैसा दे दो, मेरा बच्चा भूखा है, वो सफ़ेद गुड़ खाना चाहता, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो बोली कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं बोली। उसके पास देने के लिए भी पैसे भी नहीं हैं, बोलने के लिए भी कुछ नहीं है। तो वह चुपचाप माँ के पास से चला गया। कौन? हमारा लड़का। तो हमारा लड़के को पता चल गया कि माँ के पास क्या नहीं है? पैसा नहीं है, इसीलिए वह चुपचाप माँ के पास से चला गया। जब माँ के पास पैसे नहीं होते तो वह इसी तरह देखती थी,
और ये जानता था। तो हमारा लड़का जानता था कि जब माँ के पास पैसे नहीं होते वह इसी तरह ऊपर आसमान की ओर देखती रहती है। हमारा लड़का ये जानता था, इसीलिए वह क्या किया, चुपचाप वहाँ से चला गया। तो बच्चों, मैं पाठ पढ़ित फाड़पा के आधार पर कुछ प्रश्न पूछता हूँ। तो बच्चों, हमारा पाठ का नाम क्या है? हाँ, सही उत्तर सफ़ेद गुड। सफ़ेद गुड नामक कहानी का लेखक कौन है बच्चों? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। यहाँ हमारे लड़का है ना, छोटा बच्चा, वो उदास है ना। वो क्यों उदास है या वो क्यों दुखी है? क्योंकि वो सफ़ेद गुड़ खाना चाहता था, लेकिन उसके पास क्या नहीं था, सफ़ेद गुड़ खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए वे उदासी थे। ठीक है, तो बच्चों अगली कक्षा में आते वक्त अपने मनपसंद मीठा खाना के बारे में एक लेख लिखकर आना। धन्यवाद बच्चों।